मेहता का उल्टा चश्मा। तारक तारक अंजलि चिल्ला क्यों रही हो भाई? मैं बहरा नहीं हूँ, सुन सकता हूँ। पहले दो बार मैंने आवाज दी, आपने सुना भी नहीं और मेरी तरफ देखा भी नहीं। अंजलि मैं लिख रहा था, और जब लेखक लिखने में मसरूफ होता है ना तो उसका ध्यान कहीं और नहीं रहता, इसलिए नहीं सुन पाया। बोलो। हाँ तारक, मैं कभी कभी सोचती हूँ। अच्छा, आप सोचती भी हैं? जी हाँ, मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं। आपके पास दिमाग भी और उसमें विचार भी आते हैं? तारक प्लीज बी सीरियस ना। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। हाँ, तो तारक मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ लिखूं। क्या? मेरे मन में जो विचार आते हैं उसे शब्दों में पिरो पे कागज पे डालूं। कैसा है विचार? अच्छा, बहुत अच्छा विचार, लिखना चाहिए। अगर आपके पास विचार है तो जरूर लिखना चाहिए। हाँ, तो प्रश्न ये है कि मैं किस पे लिखूं? अभी तुमने खुद ने कहा ना कागज पे, लिखो कागज पे। तारक बी सीरियस, इट्स अ सीरियस मैटर, आई एम टॉकिंग टू यू। हे सॉरी भाई, हास्य लेख लिख रहा हूँ ना तो। हाँ बोलो। मुझे बताइए ना, मैं किस विषय पे लिखूं? मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं किस विषय पे लिखूं। देखो, जब दिमाग में खूब सारे विचार आए ना तो आदमी को ये तय कर लेना चाहिए कि भाई कौन सा विचार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन सा विचार है जो मुझे कुछ लिखने के लिए सबसे ज्यादा मुतासिर करता है और मैं जिसपे सबसे बढ़िया लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है ना, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है? डाइट फूड। डाइट फूड पे तुम लिखो, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग विचार है तुम्हारे दिमाग में, और उस पर आर्टिकल क्या, उस पर तुम किताब लिख सकती हो, पूरी किताब। पर तारक, उस पर मैं कैसे लिखूं? किताब में से तो पढ़ के मैं डाइट फूड बनाती हूँ। अच्छा, कौन सी हो किताब? पता चले तो उन सारी किताबों को आग लगा दो। वो छोड़िए ना तारक, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये बेस्ट में से बेस्ट चीजें बनाती हूँ, उस पर लिखूं। बेस्ट में से बेस्ट अंजलि ऑन एवरेस्ट। हाँ, अच्छा आइडिया, उस पर भी लिख सकती हो। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या? साहित्य नहीं है, कितने लोग पढ़ेंगे? तो फिर तुम एक काम करो, तुम एक स्त्री हो ना। हैं? अब मेरे कहने का मतलब, तुम एक स्त्री हो ना तो स्त्रियों पे लिखो। अगर एक स्त्री स्त्री पे लिखेगी तो बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया। पर तारक, इस पे मैं ये सोच रही थी कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री पे लिखूंगी, कितना लिखूंगी, मतलब एंडलेस है विषय, इतना लंबा है कि मैं लिखती जाऊंगी लिखती जाऊंगी लिखती जाऊंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम धार्मिक विषय पे लिखो ना पुस्तक। धार्मिक पुस्तक पे मैं नहीं लिख सकती तारक, इतनी सारी धर्म के लिए पुस्तकें छपी है, उसमें मैं नया क्या लिखूंगी। कुछ मत, तुम एक काम करो, तुम कुछ मत, तुम कुछ मत लिखो और मुझे भी मत लिखने दो। कुछ मत लिखो। आपने अपना लिखा क्यों फाड़ दिया? फाड़ दिया, बिल्कुल फाड़ दिया, क्योंकि जो मैं लिख रहा था ना उसमें हास्य था ही नहीं, मैं हास्य लेख लिखने की कोशिश कर रहा था। अब नया विषय मिल गया है, उसमें भरपूर हास्य लिखा जाएगा। हाँ, क्या नया विषय मिला? विषय है कि पत्नी ने किया लेखक बनने का विचार। अरे वाह। और बेचारे पति के दिमाग पे किया अत्याचार। तारक, आप अपनी पत्नी के लिए ऐसा लिखेंगे? देखिए क्या है अंजलि जी, कि लेखक को अपने आँख कान दिमाग हमेशा खुले रखने पड़ते हैं, कभी भी कोई भी विचार आ सकता है। अब आपने मुझे इतने बढ़िया लेख की प्रेरणा दे दी है तो अब मैं यही लेख लिखूंगा, इसमें कमाल का हास्य पैदा होगा। लेकिन उसके पहले काम करो, मुझे एक फर्स्ट क्लास मसालेदार कड़क चाय पिला दो। ओके, अब भी लाती हूँ कड़वा कड़वा काढ़ा। काढ़ा नहीं, मैंने चाय मांगी अंजलि। पर तारक, मैं तो अत्याचारी पत्नी हूँ ना, तो मैं तो काढ़ा ही पिलाऊंगी। नहीं देखो अंजलि, देखो दिमाग पे भी अत्याचार, पेट पे भी अत्याचार। भाभी को घर में आने दो, उसके बाद सुंदर वीरा तुम्हें इतना ही प्यार करेगा, तुम्हारा इतना ही ध्यान रखेगा, तब वो बेटा नंबर वन होगा। हाँ। मुझे भी गड़े से विश्वास है, सुंदर वीरा
कभी नहीं बदलेगा। लेकिन लेकिन माँ वो कहते हैं ना कि तूफान और शादी के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन बदलती परिस्थितियों में भी इंसान ना बदले वो इंसान नंबर वन है। ओ? अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। बापू जी। हाँ, ये ले तरबूज लाया हूँ। गर्मी में तरबूज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसे फ्रिज में रख दे। हाँ बापूजी, अच्छा किया आप तरबूज लाए, टप्पू के पापा को तो ये बहुत पसंद है। हाँ जानता हूँ। अरे बापूजी, कोई मेहमान भी आएंगे ना तो उनको तरबूज देंगे, अच्छा लगेगा उनको। हाँ अच्छा बहू, इसे गुजराती में हम तरबूज कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ मुंबई में क्या कहते हैं पता है? हाँ, कलिंगर। हाँ। और बापूजी अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी पता है? अच्छा, वाटर लेमन। अरे वाह, वाटर मेलन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मैडम आइए, मैडम आइए। पल्ले भी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, ये टप्पू का स्कूल का टीचर है। ओ अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठे, बिंडी मास्टर तू भी बैठ। वो प्यार से मुझे बिंडी मास्टर बोलते हैं। भीड़े भीड़े, बैठ बैठ बैठ। वो दरअसल पल्लवी मैडम यहाँ पे एक जरूरी काम से आए। टप्पू ने कोई शरारत की है? नहीं नहीं, टप्पू ने कोई शरारत नहीं की है। अच्छा, दरअसल टप्पू सेना की एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो स्कूल में बच्चों के लिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए स्टडी कैंप आयोजित किया है और टप्पू सेना को उसमें सिलेक्ट किया है। जी हाँ, स्टूडेंट 2 दिन के लिए स्कूल में ही रहेंगे और हम उनसे एग्जाम की सारी तैयारियां करवाएंगे और हम उन्हें ऐसा तैयार करेंगे कि उन्हें फाइनल एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं होगा और सारे बच्चे मन शांत रखकर एग्जाम दे पाएंगे। हाँ मतलब कैसे अच्छी तरह से पेपर लिखना है, और मान लो किसी सवाल का जवाब अगर नहीं आता तो उस पर चिंतित ना होकर दूसरे सवाल पर ज्यादा ध्यान देना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका और स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं। हाँ तो इसीलिए मैडम हम सब पेरेंट्स की परमिशन लेने के लिए यहाँ पे आई है, तो दैवा भी आप जरा जेठा से पूछ लीजिए ना। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, इसमें जेठिया से पूछने की जरूरत नहीं है, जेठिया थोड़ी मना करेगा, उसे बाद में बता देंगे। ठीक है बाबू जी। और वैसे भी टीचर जी, ये तो बच्चों के भविष्य की बात है, तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब की हाँ ही है। हम तो आपके आभारी हैं कि आप बच्चों के लिए और टप्पू सेना के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हाँ तो दया भाभी, अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना को मैडम के साथ स्कूल जाना है, तो आपको जो भी तैयारी करनी है टप्पू की आप कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। ये दूध वाले भाई का हिसाब और ये करियाना वाले भाई का हिसाब, चलो ये हो गया। और ये 2-3, हाँ ये 3,000 मैं बचत के बाजू में रखती हूँ। वो वाह, चलो ये भी हो गया। और ये कौन से पैसे हैं? 1229 रुपये, हिसाब तो हो गया, फिर ये 1229 रुपये क्यों बच रहे हैं? कहीं टप्पू के पापा ने तो मुझे नहीं दिया होंगे, याद नहीं आ रहा है। हाँ टप्पू के पापा को ही फोन करके पूछती हूँ। 12 लाख का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? जमा का टोटल बराबर है, उधर का टोटल बराबर है, तो फिर ताला क्यों नहीं मिल रहा है? 12 लाख। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, ये महीने के हिसाब में 1229 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। हाँ तो मुझे क्यों फोन किया? अरे मैंने इसलिए फोन किया कि आपने मुझे कोई काम के लिए ज्यादा पैसे दिए थे। हाँ नहीं, याद नहीं है मुझे। तो याद कीजिए ना प्लीज। अरे भाई मैं अभी यहाँ दुकान का हिसाब लेकर बैठा हूँ, बाद में बात करते ठीक है? तो टप्पू के पापा, मैं भी घर का हिसाब लेकर बैठी हूँ। टप्पू के पापा आप जरा याद करके बता दीजिए ना, तो क्या है मेरा हिसाब पूरा हो जाए। अरे भाई यहाँ मेरे दुकान के हिसाब में मुझे 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो अपने 1200 का हिसाब लेके काम बैठी है? अब 1200 नहीं, 1229 रुपये। हाँ भाई 1229, मुझे कुछ याद आता तो मैं फोन करता हूँ ठीक है? ठीक है, मैं आपको 5 मिनट के बाद फिर से फोन करती हूँ। अरे नहीं भाई, मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, तू फोन मत करना, मुझे याद आएगा तो मैं सामने से फोन करूंगा ठीक है? ठीक है, याद आते ही फोन करना है। हाँ हाँ भाई हाँ। क्या करूँ, ये हिसाब मिल क्यों नहीं रहा है? हाँ फिर से चेक करती हूँ, ये इस्त्री वाले
बापू मैं हमारे यंग गर्ल ग्रुप के साथ स्वच्छता अभियान के लिए जा रहा हूँ और आज हम सब लोग शहर में अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं, तो आते आते रात के 8-9 बज जाएंगे। ठीक है बापूजी। क्या बात है बहू, कोई परेशानी है? हाँ बापूजी, मैं वो घर खर्च का हिसाब कर रही हूँ और उसमें 1229 रुपए बढ़ रहे हैं। अरे तो उसमें चिंता क्यों कर रही है, पैसे बढ़ ही रहे हैं ना, कम तो नहीं पड़ रहे हैं ना? हाँ बापूजी, पर हिसाब तो मिलना चाहिए ना। वाह बहू, मानना पड़ेगा, घर में तुझसे कभी कोई हिसाब नहीं मांगता, फिर भी तू पाई पाई का हिसाब रखती है। बापूजी, जैसे टप्पू के पापा दुकान चलाते हैं, हम सबकी हर जरूरियात पूरी करते हैं, बापूजी आप हम सबका इतना ध्यान रखते हैं, आपकी छत्र छाया में हम सब अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। और टप्पू मन लगा कर पढ़ाई करता है, वैसे ही घर चलाने का और हिसाब रखने का फर्ज मेरा है बापूजी। बराबर है बहू, पर 1229 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। हाँ पर बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब कोड़ी नो न बख्शीश लाखनी, और बापूजी हम रोज बरोज का हिसाब रखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा खर्च कहाँ हुआ है और ऐसे फिजूल खर्च भी नहीं होगा। वाह बहू वाह, जिस घर की लक्ष्मी के तेरे जैसे विचार हो उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। अरे बहू याद कर, किसी का हिसाब रह गया होगा, दूध वाले का, इस्त्री वाले का, लाइट बिल बाकी रह गया होगा। बापूजी कुछ लोगों को पैसे दे दिए हैं और जिनको नहीं दिए ना उनके पैसे निकाल कर बाजू में रख दिए हैं। फिर भी बापूजी पता नहीं ये 1229 रुपए कैसे बच रहे हैं। अरे बहू, किसी से लिए होंगे, किसी को देने होंगे, शांति से सोचना, सब याद आ जाएगा। चलता हूँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। के पैसे होंगे, कौन होगा, नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, कौन होगा वो सब। अरे हाँ, ये पैसे तो केतकी ने मुझे दिए थे भीड़े बहन को आचल पकड़ के देने के लिए। अरे हाँ, मिल गया मुझको हिसाब, मिल गया। अब मैं नीचे सब्जी लेने जाऊंगी तो भीड़े बहन को पैसे दे दूंगी। उमा तई, स्कूटर का नंबर आ गया है, अब जल्दी आपके घर आएंगे हम लोग। हाँ हाँ जल्दी आना। माधवी, स्कूटर का नंबर क्या है वो तो बता। हाँ, MH02AB420। क्या 420? माधवी तू मजाक कर रही है ना? नहीं नहीं उमा तई, मजाक नहीं कर रही हूँ, खरच सांगते। वो बाकी काय म्हणता है, काय नवीन? अरे हाँ, मेन बात तो बताना ही भूल गई। काय? अपना खोका मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों को बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ सस्ते में मिल रही है। अरे वाह, काय सांगता है, काय? ये कितने दिनों तक है? सिर्फ आज का दिन, वो भी 10 से 6 बजे तक। ओके भाई, हो तो आज ही जाके आऊंगी। थैंक यू मदई, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। थैंक यू कहते। अच्छा मदे, चलो फोन रखती हूँ, घर पे आना। हाँ जल्दी। हाँ बाय बाय बाय। बताना है। अच्छा माधवी, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। ओ बताइए। पहले तुम बताओ। नहीं नहीं बताइए ना। अरे बताओ ना। आप पहले बताइए। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। माधवी, ऐसा कोई पुराना गाना है ना, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। 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 और जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गड्डी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप वो करते हुए निकल गई थी, कहीं तुम दोनों की भी गड्डी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम और पहले तुम करते करते रोमांस की रुतरा निकल जाए भाई। रोमांटिक गाने तो रोज गाने चाहिए, कहना इससे प्यार बढ़ता है। मैं अपने डार्लिंग रोशन के लिए रोज रोमांटिक गाने गाता हूँ और मेरी डार्लिंग रोशन जो है ना वो मेरे लिए 16 साल की रोमांटिक शहजादी है, वो ऐसे ही मैं उसके लिए 16 साल का रोमांटिक शहजादा हूँ और बहुत प्यार बढ़ता है इससे। और तो रोमांटिक गाना कंटिन्यू रख, मैं चलता हूँ। ए, 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 ए,
भाई क्या गाना गाने आया था, किस लिए आया था तू? ओहो, मैं भी कमाल करता हूँ यार, और तुम दोनों का रोमांटिक गाना देख के मैं भी बहुत रोमांटिक हो गया और अपनी रोशन की यादों में खो गया। ओ, ओ, मैं मेंटेनेंस का चेक लेके आया हूँ यार। अच्छा, थैंक यू। और मोस्ट वेलकम यारो, ओ कंटिन्यू रोमांस। हाँ आप बताइए माधवी, इससे पहले कि कोई और आ जाए और गाना शुरू कर दे, बोलो तो सही क्या बताने वाली थी? वो भव्य साड़ियों का सेल लगा है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है साड़ियों का भव्य सेल लगा है? हाँ, तेज से तो मैं जाऊँ। माधवी, ये सेल में कुछ नहीं होता है, जो चीज साल भर नहीं बिकती ना उसी को दुकानदार ये सेल में बेचते हैं, और इस सेल में ना आधे से ज्यादा चीजें डिफेक्टिव पीस होती है। आहा, जैसे आपको सब पता है, आपको बताकर ही सेल लगाते ना। बोलो, बताने की जरूरत ही नहीं है माधवी। अरे हमारे जमाने में ये सेल में कुछ नहीं हुआ करता था, ये सेल के नाम पे जो बिना जरूरत की चीजें होती है ना वो भी लोग खरीद लेते हैं। और सेल में होता क्या है माधवी, इतनी सारी चीजें देख के पहले तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर बाद में फिजूल का पैसा खर्च हो जाता है और वक्त की बर्बादी होती है। ऐसा थोड़ी होता, मैं कोई फिजूल का खर्चा वगैरह नहीं करती हूँ, और कितने दिन हुए मैंने एक भी साड़ी खरीदी नहीं की है। माधवी, अच्छी और सस्ती साड़ी मिलेगी ना तो ही खरीदूंगी, वरना पानीपुरी खा के घर आ जाऊंगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के रिक्शा और पानीपुरी का खर्चा तो होने ही वाला है। नहीं जाती हूँ बस, हमारा जमाना, हमारे जमाने की वैल्यू नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है माधवी, हम साथ में चलते हैं। तुम ही कौशला, मतलब हम महिला मंडल साथ में जाने वाले हैं ना। अच्छा, मतलब पहले से ही तय है? नहीं, तय वगैरह नहीं है, अभी सब्जी लेने जाऊंगी ना तब सबको बताऊंगी कि ऐसा ऐसा प्लान है, और मुझे पूरा यकीन है सेल की बात सुनकर कोई मना नहीं करेगा। हाँ। ठीक है माधवी, संभल कर जाना और देख परख के साड़ी लेना। हो। अच्छा, आप क्या कहने वाले थे तभी? मैं क्या कहने वाला था? हाँ, मैं ये कहने वाला था कि मैंने सोचा है कि सोनू के एग्जाम होने के बाद उसे एक नई साइकिल खरीद के दे देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वैसे बिचारी कभी बोलती नहीं है, लेकिन बड़ी हो गई है ना तो ये साइकिल उसको छोटी पड़ रही है अभी। नहीं? हाँ वो तो है। हाँ, छान, मस्त आइडिया है। अच्छा, मुझे भी अभी मोगरा पड़ा जाना है, सोसाइटी के पानी का बिल भरना है और वहाँ पे मसाले वाले का बिल भी देके आऊँ। हम लोग भी दोपहर को निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ? अच्छा माधवी, शॉपिंग को जा रही हो, जरा शांति से शॉपिंग करना। क्या है, तुम जब भी शॉपिंग को जाती हो ना तो टेंशन मुझे होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो। अभी पिछली बार की बात ले लो, तुम अंजलि भाभी के साथ शॉपिंग करने गई थी, तुम्हारा पर्स गुम हो गया था वहाँ पे। वो पर हर बार थोड़ी ऐसी गड़बड़ होती है, कभी कभार गलती हो जाती है इंसान से। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हो, ध्यान रखूंगी मैं। हा? नहीं मतलब क्या है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाँ बोलिए आती भाई। अच्छा, हाँ तो मैं नीचे ही आ रहा हूँ, फिर बात करते। चल तो। हाँ, मैं अभी आया। मुझे पापड़। साड़ियों की सेल, ये तीन शब्द महिलाओं के लिए इतनी खुशी लेके आते हैं जैसे वर्ल्ड टूर का टिकट फ्री में मिल गया, और पुरुषों के लिए ऐसा झटका जैसे बिजली के तार छू लियो। भाई क्या करें, झटका लगना तो स्वाभाविक है, इसलिए भिड़े को ये सेल शब्द से या शॉपिंग शब्द से झटका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि माधवी भाभी अकेले तो जाएंगी नहीं, पूरे महिला मंडल को साथ लेके जाएंगी। और आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब गोकुलधाम की महिलाएं शॉपिंग में जाती है तो कुछ ना कुछ हंगामा होना अवश्यंभावी है। ये लोग शॉपिंग के लिए जाएं और कुछ न हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे शॉपिंग के जाएं और एक पे एक फ्री, यानी शॉपिंग पे टेंशन फ्री। अब नया टेंशन क्या होने वाला है मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे जो महिला दर्शक हैं उनका मजा बिगड़ जाएगा अगर मैंने बता दिया। तो आप मजा लीजिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और पता करिए कि शॉपिंग होगी तो क्या हंगामे होंगे। तो सब भाइयों और बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सारे लोग देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।